और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लिंक, टेक्स्ट बॉक्स एंड हेडर फुटर के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूं। आज के लेसन में हमने हाइपरलिंक के ऊपर काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स एंड हेडर फुटर के ऊपर। सबसे पहले हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे का मैं कोई लिंक देना चाह रहा हूं तो उसके लिए आप यहां पे हाइपरलिंक पे क्लिक करें। आप यहां से फॉर एग्जाम्पल सैलरी रिपोर्ट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, या फिर यहां से मैं कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस लिस्ट, इसको मैं ऐड करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं ओके करूंगा तो ये आपके पास यहाँ पे इसका लिंक लग जाएगा। इसी तरह ब्राउज पेज है, आपने जो पेजेस यहाँ पे ब्राउज किए हैं, सर्च किए हैं, आप उनका इसके साथ लिंक देना चाह रहे हैं वो लिंक दे सकते हैं। रिसेंट फाइल जो है उनका लिंक देना चाहते हैं उसका लिंक दे सकते हैं। तो मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल लिंक देना चाह रहा हूँ अटेंडेंस लिस्ट का, ओके करता हूँ। अटेंडेंस लिस्ट के साथ लिंक लग गए, इसके ऊपर जो मैं क्लिक करूंगा तो इसके साथ अटेंडेंस लिस्ट ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। लिंक को रिमूव करने तो राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहां से आप रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करें, हाइपरलिंक के साथ रिमूव हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे भी हम काम कर चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहां से यहां तक कोई भी एरिया आप सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहां पे एक एरिया दे दें और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो वापस टेक्स्ट बॉक्स के लिए बन जाएगा। और इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके तो इसका सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहां से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें हम कर चुके हैं। सारे काम यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आप बस इंसर्ट में हेडर फुटर, हेडर फुटर पे क्लिक करें। आपस पेजेस आ गए हैं और पेजेस में आपस हेडर फुटर अप्लाई हो चुके हैं, तो ये मैं हेडर फुटर पहले दे चुका था इस वजह से आपस यहाँ पे आया मैं। अब यहाँ पे हेडर है और साथ में यहाँ पे आपस फुटर है, तो यहाँ पे आपका जो हेडर है ये आपके पास हेडर आ जाता है और इसके बॉटम में नीचे फुटर आ जाता है। गो टू फुटर पे जाएंगे तो फुटर पे चले जाएंगे, गो टू फुटर क्लिक करेंगे फुटर पे आ जाएंगे। अब मैं हेडर फुटर यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेडर फुटर का फायदा ही होता है कि आप चाहते हैं कि आपने काफी सारे पेज, काफी सारे आपने जो है तो शीट्स बनाई है और आपकी अगर आपने एक शीट बनाई वो भी काफी सारे पेजेस पे, तो आप यहाँ पे पेज नंबर आप चाहते हैं कि सबके सबके ऊपर पेज नंबर आ जाए, इसके अलावा टाइटल आ जाए, तो आप चाहते हैं कि टाइटल अब सिर्फ एक पेज पे लेकिन सारे पेज पे वही टाइटल आ जाए, आपने कोई लोगो ऐड करना है, मोनोग्राम ऐड करना है, तो वो चाहते हैं आपके सब पेजेस पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हेडर फुटर बेस्ट ऑप्शन है। हेडर फुटर के अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग से ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए हेडर फुटर बेस्ट ऑप्शन है। हेडर फुटर पे क्लिक करने के बाद आपने डिजाइन पे क्लिक करें तो डिजाइन में हेडर फुटर आ जाता है। हेडर फुटर में सबसे पहले हेडर की कुछ स्टाइल है, फिर फुटर के आपका कुछ स्टाइल है, जो काम आपने किया हुआ होता है वही सारी सारी चीजें यहाँ पे दिखें धीमे से। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपका सब यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। और आप चाहते हैं पेज नंबर के साथ नंबर ऑफ पेजेस भी आ जाए तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस पे क्लिक करें, पेज नंबर और पेजेस दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पे जो है तो आप देखें पेज नंबर आ गया 12 आ गया, अब देखें 12 के बाद नीचे 13, 14, 15, फिर यहाँ पे 22 आ गए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ डेट भी हो और टाइम भी आ जाए तो डेट एंड टाइम आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं देखें डेट और टाइम दोनों यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका शीट का नेम आ जाए, ये जो शीट है इसका नाम आ जाए तो आप यहाँ पे शीट नेम ऐड कर सकते हैं, शीट वन आ गई यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पिक्चर चाहते हैं पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर ऐड करना है, पिक्चर फाइल नेम ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करना है। अभी आप हेडर में तो आप गो टू फुटर पे क्लिक करें, नीचे फुटर में आ जाएंगे। फुटर में मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड की थी, इसको रिमूव करता हूँ, डिलीट, ओके। अब मैं नीचे फुटर पे आ गया हूँ। फुटर पे आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो है तो गो टू हेडर पे क्लिक करें, हेडर चले जाएंगे, फुटर पे क्लिक करें फुटर में आ जाएंगे। और फुटर में आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे ऑफलाइन, और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो आपने ऐड करनी है यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं फेव आइकन जो है तो ये ऐड करना चाह रहा हूँ,
पिक्चर्स के साथ ऐड हो गया है, लोगो वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करने कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ आप ये भी है, टाइप करना चाह रहे जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे डेट बाई टाइम ऊपर ये नाम लिख सकता हूँ अपना तैमूर परवेज। आप यहाँ पर देखिए ये चीज ऐड हो गई है। इसी तरह फुटर में और भी चीजें ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। अब देखें ये सारी की सारी चीजें फुटर पे ऐड हो चुकी है, हेडर पे ऐड हो गई। आप चाहते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज जो है उस पर हेडर फुटर अप्लाई ना हो तो फर्स्ट पेज में हेडर फुटर अप्लाई नहीं होगा। आप चाहते हैं नहीं सब पे हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे सब पे होगा। डिफरेंट ऑर्डर इवन पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पेज पे होगा, सेकंड पे नहीं होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे नहीं होगा, हेडर फुटर। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्केल वे डॉक्यूमेंट्स को ऑप्शन चेक रहने दे सकते, फायदा ये कि आपका डॉक्यूमेंट्स का जो भी आप हेडर फुटर अप्लाई करेंगे वो डॉक्यूमेंट के लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा और अलाइन भी मार्जिन आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सब पेजेस पे अप्लाई हो चुके हेडर फुटर। आप यहाँ पे देखें पेज नंबर टू आ जाता है। देखें जो जो पेजेस आप ऐड करते रहेंगे तो साथ ये देखिए ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हेडर फुटर आपसे अप्लाई हो चुके। आप इसी तरह फाइल में जाएं, जाने के बाद आप यहाँ से अगर जो है तो प्रिंट पे क्लिक करें तो प्रिंट पे देखें तो आपका हेडर भी है और फुटर दोनों अप्लाई हो चुके हैं, हेडर फुटर दोनों अप्लाई हो चुके हैं। तो ये था जी हेडर फुटर का फंक्शन। एंड हेडर फुटर के बाद था आपके पास टेक्स्ट बॉक्स एंड हाइपरलिंक तीनों कर लेंगे। अब हेडर फुटर को रिमूव करना चाहे तो आप सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस कर लें, सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस कर लें, सिलेक्ट करें, डिलीट प्रेस कर लें और इसी तरह गो टू फुटर में जाएं, सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें और उसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे दोबारा से फाइल में चले जाएं और यहाँ से आप अपने नॉर्मल पेजेस में चले जाएं तो देखिएगा कि हेडर फुटर क्या हो गया जी, रिमूव हो चुका है। पेज में भी जाके देख सकते हैं हेडर फुटर रिमूव हो गया। तो आप इस तरह हेडर फुटर रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इंसर्ट मेन्यू के लास्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।